फ्रेंड्स, आप सभी को यह सवाल तो कभी ना कभी हुआ ही होगा कि एलियंस होते हैं कि नहीं होते। अगर एलियंस होते हैं तो वो हमें आज तक क्यों नहीं मिले, हम उसे आज तक क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अगर एलियंस होते हैं तो वो हमें या हम उसे आज तक क्यों नहीं मिल पा रहे। फ्रेंड्स, आपके इस सवाल का आंसर कई सारी थियोरीज से मिल सकता है, लेकिन उनमें से आज हम ऐसी दो थियोरीज के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट पॉपुलर थियोरी है। उनमें से पहली थियोरी है द फर्मी पैराडॉक्स और दूसरी थियोरी है द ग्रेट फिल्टर थियोरी। तो ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। द ग्रेट फिल्टर थियोरी हमें कार्डेशियव स्केल के बारे में बताती है। कार्डेशियव स्केल में 3 टाइप्स के इवोल्यूशन को लिया जाता है, टाइप 1 इवोल्यूशन, टाइप 2 इवोल्यूशन और टाइप 3 इवोल्यूशन। फ्रेंड्स, टाइप 1 इवोल्यूशन हम उस सिविलाइजेशन को कह सकते हैं जो सिविलाइजेशन अपने ही प्लेनेट पे उपलब्ध सारे सोर्सेस का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। हम पूरी तरीके से टाइप 1 में अभी तक इवोल्व नहीं हुए हैं। कार्डियस बेल्ट पे हम अभी 0.7 आर्क पे हैं। गाइस, टाइप 2 इवोल्यूशन हम उस सिविलाइजेशन को कह सकते हैं जो सिविलाइजेशन अपने सन यानी कि सोलर सिस्टम यानी कि सोलर एनर्जी का पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सके। टाइप 2 के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि हम अभी पूरी तरीके से टाइप 1 में भी इवोल्व नहीं हुए हैं। अब हम बात करेंगे टाइप 3 इवोल्यूशन के बारे में। टाइप 3 इवोल्यूशन हम उस सिविलाइजेशन को कह सकते हैं जो सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट के आसपास के आकाशगंगाओं में उपलब्ध सोर्सेज का यूटिलाइज कर सके। जब पृथ्वी अपनी मिल्की वे के उपलब्ध सोर्सेज का इस्तेमाल करेगी तब हम टाइप 3 कहलाएंगे। सो गाइस, द ग्रेट फिल्टर थियोरी समझने के लिए हम एक ऐसे कमरे का उदाहरण लेंगे जिसकी दीवारें पूरी तरीके से लेजर से लैस है और आप इस कमरे में बंद हैं। अगर आपको इस कमरे से बाहर निकलना है तो आपको इस लेजर से गुजरना होगा, और जब आप इस लेजर से गुजरेंगे तो आपका क्या हाल होगा ये आप जानते हैं। द ग्रेट फिल्टर थियोरी भी कुछ यही कहती है कि कोई भी सिविलाइजेशन की इवोल्व होने की एक हद होती है, अगर वो उस हद से ज़्यादा इवोल्व होने की कोशिश करेगा तो उसे एक ऐसी घटना से गुजरना होगा जो पूरे जीव सृष्टि को तबाह कर सकती है। उसे हम कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। द ग्रेट फिल्टर कभी भी आ सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और सवाल आता है कि पृथ्वी के लिए द ग्रेट फिल्टर कब आएगा। इसके लिए 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना यह कहती है कि पृथ्वी जब बन रही थी उस पर जब जीव सृष्टि पलप रही थी तभी पृथ्वी के लिए द ग्रेट फिल्टर आ चुका है, यानी कि अब हम ग्रेट फिल्टर से मुक्त है। दूसरी संभावना यह कहती है कि पूरे यूनिवर्स में हम एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो कभी पूरी तरीके से इवोल्व ही नहीं होगी। इसका मतलब है कि हमें द ग्रेट फिल्टर से कभी गुजरना ही नहीं पड़ेगा। तीसरी संभावना यह कहती है कि पृथ्वी पर द ग्रेट फिल्टर कभी भी फ्यूचर में आ सकता है। अगर तीसरी संभावना सच है तो द ग्रेट फिल्टर कब आएगा, जब हम टाइप 1 में इवोल्व हो गए तब, टाइप 2 में इवोल्व हो गए तब, या टाइप 3 में इवोल्व हो गए तब, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब हम बात करेंगे द फर्मी पैराडॉक्स के बारे में। द फर्मी पैराडॉक्स एनरिको फर्मी नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। एनरिको एक बार आसमान में देख रहे थे तभी उसके मन में यह सवाल आया, क्या पूरा यूनिवर्स में कोई भी परग्रह नहीं रहता है? क्या पूरा यूनिवर्स में हम अकेले ही सिविलाइजेशन रहती है? और PNAS रिसर्च भी यही कहती है कि हमारी आकाशगंगा में ऐसे कई प्लैनेट है जहाँ पे जीवन होने की संभावनाएं हैं। इसीलिए एनरिको ने कुछ एक्सप्लेनेशंस दी है। वो एक्सप्लेनेशन आज पूरे वर्ल्ड में फर्मी पैराडॉक्स के नाम से प्रसिद्ध हुई है। फर्मी की पहली एक्सप्लेनेशन के अनुसार एलियंस ने पृथ्वी पर तब सिग्नल भेजे होंगे जब पृथ्वी पर अभी जीवन पलप ही रहा था। उसे कोई आंसर ना मिलने पर वह यह समझते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है, शायद इसीलिए वो यहाँ पे कभी भी सिग्नल नहीं भेजेंगे। एनरिको की दूसरी एक्सप्लेनेशन के अनुसार हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह पर स्थित है जो ब्रह्मांड की सबसे सुनी जगह मानी जाती है, शायद इसीलिए एलियंस को हमारी पृथ्वी के बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए वो कभी सिग्नल ही नहीं भेजेगी। एनरिको की तीसरी एक्सप्लेनेशन के अनुसार ब्रह्मांड में ऐसी जीव सृष्टियाँ मौजूद है जो पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, शायद इसीलिए उसे पृथ्वी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो पृथ्वी का सिग्नल का आंसर नहीं दे रही है या ब्रह्मांड में सिग्नल नहीं भेज रही है। फर्मी की चौथी एक्सप्लेनेशन के अनुसार ब्रह्मांड में ऐसे कई परग्रह रहते हैं लेकिन वो डरते हैं कि अगर दूसरी जीव सृष्टि को उसके बारे में पता चल गया और उसने उस जीव सृष्टि को तबाह कर दिया तो शायद इसीलिए ब्रह्मांड में वो कभी सिग्नल नहीं भेजेंगे, और अगर उसे पृथ्वी का सिग्नल मिल भी रहे हैं वो फिर भी उसका आंसर नहीं देगी क्योंकि उसे डर है। फर्मी की और एक एक्सप्लेनेशन भी कुछ डरावनी है। इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार यह कहा जाता है
कि ब्रह्मांड में कई परग्रह रहते हैं, लेकिन वो दूसरी जीव सृष्टि को तबाह करना चाहते हैं। शायद इसीलिए उसे पृथ्वी का सिग्नल तो मिल रहा है, लेकिन वो उसका आंसर नहीं देगी, क्योंकि वो कभी भी पृथ्वी पर आएगी और पृथ्वी के जीव सृष्टि को तबाह कर देगी। फर्मी की और एक एक्सप्लेनेशन के अनुसार यह माना जाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम जो सिग्नल भेज रहे हैं वो एलियन तक पहुंच सके, या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी भी एडवांस नहीं है कि एलियन सिग्नल जो भेज रहे हैं वो हम तक पहुंच सके। शायद इसीलिए आज तक हम कभी भी एलियन से नहीं मिल पाए या उसके सिग्नल नहीं रिसीव कर पाए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आप इनमें से किस एक्सप्लेनेशन को सच मानते हैं, या आप इनमें से किस एक्सप्लेनेशन को कह सकते हैं कि यह सही एक्सप्लेनेशन है? मित्रों, यह आप पे निर्भर रखता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।